नमस्कार चाणक्या आई एकेडमी में आपका स्वागत है इस वीडियो का टॉपिक है मेरिट बनाम आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन अब यहां पर यह महत्वपूर्ण है कि क्यों हम मेरिट बनाम आरक्षण पर बात कर रहे हैं उसका कारण यह है कि हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स यानी कि चिकित्सा पाठ्यक्रम के अंतर्गत नीट में नीट का अर्थ है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट तो नीट में ऑल इंडिया कोटा सीटों में ओबीसी के 27 प्रतिशत आरक्षण व्यवस्था को उचित ठहराया और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही कि खुली प्रतियोगिता परीक्षा में आरक्षण की व्यवस्था योग्यता के विरुद्ध नहीं है मतलब ये कि जो आरक्षण है वह मेरिट के अगेंस्ट नहीं है इसको विस्तार से जानने से पहले एक नजर डालते हैं कि आखिर यह ऑल इंडिया कोटा है क्या ऑल इंडिया कोटा अवधारणा आई उन्नीस सौ में और यह अवधारणा सामने आई डॉक्टर प्रदीप जैन बनाम भारत सरकार मामले में इस मामले में चुनौती इस बात पर दी गई कि मेडिकल कॉलेज में नामांकन में डोमिसाइल के आधार पर आरक्षण देना गलत है इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि राज्य द्वारा अपने क्षेत्र में स्थित मेडिकल कॉलेज में डोमिसाइल और रेजिडेंट्स के आधार पर 100 परसेंट जो आरक्षण दे रही है वह कहीं से भी उचित नहीं है उसके पीछे का तर्क यह है कि वैसे राज्य जहां मेडिकल कॉलेज नहीं है तो वहां के मेधावी छात्रों को उन राज्यों में मेडिकल शिक्षा प्राप्त करने का मौका नहीं मिलेगा जहां पर कि अच्छी मेडिकल कॉलेजेस हैं इसका अर्थ है कि मेधावी छात्रों को उन राज्यों में मेडिकल शिक्षा मिले जहां पर की अच्छे मेडिकल कॉलेजेस हैं ठीक इसी निर्णय के बाद राज्यों के मेडिकल कॉलेज में ऑल इंडिया कोटा को लागू किया गया जिसके अंतर्गत मेडिकल शिक्षा में अंडर ग्रेजुएट में पंद्रह प्रतिशत और पोस्ट ग्रेजुएट में पचास प्रतिशत आरक्षण ऑल इंडिया लेवल पर दिया गया इसका अर्थ यह हुआ कि अब इन सीटों पर नियंत्रण केंद्र सरकार का हो गया 2007 तक ऑल इंडिया कोटा में आरक्षण व्यवस्था नहीं थी इसका मतलब है कि मेरिट के आधार पर इन सीटों पर नामांकन होता था मेरिट का यहां पर अर्थ है कि परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर लेकिन 2007 हजार ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया कोटा में आरक्षण लागू करने का आदेश दिया सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अनुसूचित जाति को पंद्रह प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति को साढ़े सात प्रतिशत आरक्षण ऑल इंडिया कोटा में दे दिया गया परंतु अभी भी ओबीसी आरक्षण का कोई जिक्र नहीं था मतलब यह कि शिड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को ऑल इंडिया कोटा में तो आरक्षण दिया गया परंतु ओबीसी आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं की गई परंतु दो में 29 जुलाई को नीट कोर्स के नामांकन के लिए मेडिकल काउंसिल कमेटी ने नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें ऑल इंडिया कोटा में ओबीसी को 27 प्रतिशत और ईडब्ल्यू को 10 प्रतिशत आरक्षण देने की बात की गई और इसी अधिसूचना या नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई सुप्रीम कोर्ट में जहां सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी के 27 प्रतिशत आरक्षण व्यवस्था को सही माना और यह बात भी कही कि खुली प्रतियोगिता में आरक्षण की व्यवस्था योग्यता विरुद्ध नहीं है अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बात कही आइए विस्तार से इस पर नजर डालते हैं सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही है कि खुली प्रतियोगिता परीक्षा अभ्यर्थी को प्रतिस्पर्धा के अवसर की समानता प्रदान करता है वहीं दूसरी तरफ आरक्षण यह सुनिश्चित करता है कि अवसरों का वितरण ऐसा हो कि पिछड़े वर्ग भी समान रूप से लाभान्वित हो सके इसका अर्थ है कि आरक्षण की वर्तमान व्यवस्था उचित है वह इसलिए क्योंकि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की सार्वजनिक भागीदारी को यह व्यवस्था बढ़ाती है वहीं सुप्रीम कोर्ट आगे यह बात भी कहती है कि परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करना यह योग्यता का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं साथ ही परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करना समानता जैसे सामाजिक विचार को आगे बढ़ाने वाला एक उपकरण नहीं हो सकता मतलब यह कि हम उसे एक उपकरण के रूप में नहीं मान सकते हैं क्योंकि खुली प्रतियोगिता परीक्षा में केवल योग्यता को आधार बनाना विरासत में प्राप्त कमियों और विशेषाधिकारों को बराबर करना है सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना है कि केवल योग्यता के दावे का आधार विरासत में मिली उपलब्धियों को छिपाने का एक आधार होता है और रही बात अंक प्राप्त करने की तो उच्च अंक प्राप्त करना हमेशा व्यक्तिगत योग्यता का सर्वोत्तम मापक नहीं हो सकता सुप्रीम कोर्ट ने आगे यह बात कही कि शैक्षिक सुविधाओं की पहुंच और उसकी उपलब्धता में व्यापक असमानता के कारण कुछ वर्ग शिक्षा से वंचित हो जाते हैं और फिर वो प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ रहते हैं वहीं अगर आरक्षण की व्यवस्था मौजूद है तो फिर इन वंचित वर्गों की इस बाधा को दूर किया जा सकता है और दूर किया जाता है वहीं अगर हम खुली प्रतियोगिता परीक्षा की बात करें तो खुली प्रतियोगिता परीक्षा सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक लाभ को नहीं दर्शाती है वह इसलिए क्योंकि सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक लाभ कुछ ही वर्गों को प्राप्त है और जिन वर्गों को लाभ प्राप्त नहीं है अगर आरक्षण की व्यवस्था नहीं रहेगी तो फिर वो पिछड़ जाएंगे वहीं सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि अगर उच्च अंक प्राप्त व्यक्ति अपनी योग्यता का सही तरीके से उपयोग नहीं करता है तो उस व्यक्ति को योग्य कहना उचित नहीं होगा तो यहां पर हमने आरक्षण बनाम मेरिट या मेरिट बनाम आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्णय पर चर्चा की इसके साथ ही इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं आप हमारे साथ बने रहिए नई जानकारियों के लिए साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए धन्यवाद Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.